एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सर ग्रुप में मैसेज आया क्या मैसेज आया है? यस सर, टुडेज क्लास। डाल दिया मैं। अब देखिए, एक ही चीज को कितनी बार बताना पड़ रहा है। सर इसमें लिंक, बेटा इसमें मीटिंग आईडी और पासवर्ड डाल दो बच्चे, डाल ओके सर। दो बच्चे। एक मिनट, सब लॉग इन कर जाए। अभी तो बच्चे पासवर्ड ढूंढ रहे हैं, लॉग इन पासवर्ड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। एक सब एक मिनट रुक जाइए, सब लॉग इन हो जाए, फिर वी आर स्टार्टिंग द क्लास। सर कर और दिया नेक्स्ट सर। चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं, आज तो पहले चैप्टर फिनिश करेंगे। अगर चैप्टर फिनिश हो जाता है, दो क्वेश्चन बड़े करने हैं आज, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अगर वो चैप्टर दो चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद कर छोटी दिया छोटी सर। चीजें। पहले देखिए, सब लॉग इन हो गए। ओम जी, ओम जी, अनामाई कौन यस करी है? ओम जी, कितनी देर हो लिया गई आपको पढ़ते हुए? दो अभी 2 हफ्ते हुए आपको? ओम हफ्ते। यस सर। जी, आज तक आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड नहीं मालूम? सर मैंने मैं पहले डाउट तो था, फिर मैंने कर आपको, लिया था। सर जी मुझे सर, डाउट था। नहीं डाउट है तो 7 o'clock निकालिए सर, 7:40 पे मैसेज में डालिए, टीचर क्लास ले या आपको अटेंड करे प्लीज। मैंने कई बार समझा दिया, जब लॉग इन पासवर्ड चेंज होगा तब आएगा। आई थिंक सो इसके लिए भी समझाना पड़ेगा सर, थोड़ा सा सबको सिंसियर होना पड़ेगा, बड़े बनना पड़ेगा। 2-4 साल में शादी वादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, क्या करोगे? मम्मी पापा और बच्चे एक जैसी बातें करेंगे, ठीक है हम जी, ध्यान रखेंगे आगे से। हाँ, ओके सर। आगे से ध्यान रखना है अमित दोस्त। बेटा लॉगिंग कर गए आप? यस बिटिया, मैं जितने स्टूडेंट्स हैं सबको जो प्रेजेंट है, मैं दोबारा बता रहा हूं। आई थिंक सो पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, अगर आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो सेम है। अगर आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड नहीं आया तो इसका मतलब मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेम है। क्लास के टाइम चेंज नहीं होते, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7:40 इज द फिक्स टाइमिंग। इफ देर इज एनी चेंज देन आई विल इंटीमेट अ लॉट, ठीक है? तो अब सारे व्यूअर ध्यान रखेंगे, और मैंने आप सबको ऑल्टरनेटिव नंबर दिया हुआ है, इस पे क्लास चल रही होती है, हम अटेंड नहीं कर सकते। आप कोई भी मैसेज है या दूसरे नंबर पे बात कर सकते हैं, वो फ्री रहता है नंबर। आइए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा ही आएगा, टेस्ट में तो आ चुका। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस, सबसे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट, साइलेंट करिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस करना है। हाँ जी जस्टिन जी, सर ऑर्बिट इज अ टू डायमेंशनल फिगर यस, ऑर्बिट इज 2 डायमेंशनल, एंड ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल, पहला डिफरेंस। ऑर्बिट। एक एक करेंगे, जस्टिन जी ने पहला आंसर दिया, ऑर्बिट इज 2 डायमेंशनल, ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल। अमितोष बेटा, सेकेंड डिफरेंस, सो ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इन व्हिच इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यस, इसको बहुत इजी करेंगे,
ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन नेचर, सर्कुलर इन नेचर या दे आर सर्कुलर। हाँ ठीक है, इफ यू वांट टू, अगर आप बहुत टफ स्पेल्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, पर अदरवाइज ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन नेचर। हाँ जी, ऑर्बिटल के लिए क्या बोलेंगे? Orbital is the space or 3D region around the nucleus where the probability of finding the new, electron is maximum. बेटा इसको ना कुछ इस तरह लिखना है कि points ज़्यादा बने। एक ही point में आपने सब कुछ अगर डाल दिया तो आगे आप difference लिखने मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ लिखिए they are circular in shape, they have different shapes, they have different shapes like dumbbell, like circular dumbbell, double spherical dumbbell, double dumbbell, etc. They are all, they are what? They are circular. They are of different types, like they can be spherical, they can be dumbbell, they can be double dumbbell, etc. Okay. ओके, अब थर्ड पॉइंट, अब बताएंगे भाविक जी, बताएंगे भाविक जी, भाविक जी स्तुति बेटी अभी आपसे सुनते हैं, एक मिनट भाविक जी को बोलने दीजिए। भाविक जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? भाविक जी का माइक नहीं चल रहा। सुखदीप बेटा प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए। सुखदीप बेटा, यस सर, बोलिए बेटिया। सर इट ऑर्बिट का इट गोज अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। इसको थोड़ा सर हर चीज को ना इजी बनाना है। इट डू नॉट ऑबे Heisenberg principle. It obeys Heisenberg's principle. Can you justify it? How it obeys and how it do not obey? It obey Heisenberg. Bidya, अभी आपने बोला ये Heisenberg obey नहीं करता, ये Heisenberg obey करता है। ये Heisenberg obey नहीं करता, ये Heisenberg obey करता है। Can you justify? No, sir. Actually, I had my brother's note, so I read from there and I learned that. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Anybody else who can sir, explain this point? Sir, हाँ जी। Sir, sir Heisenberg वो path नहीं बताता कि कौन से path पे electron move कर रहा है। Okay, कोई और explain करना चाहे? कोई और एक्सप्लेन करना चाहे? अभी वो पूरा एक्सप्लेन नहीं हुआ, कोई और एक्सप्लेन करना चाहे? कोई एक्सप्लेन नहीं करना। सुनिए, Heisenberg कहता था कि अगर पोजीशन ढूंढेंगे तो मोमेंटम में एरर होगा, मोमेंटम ढूंढेंगे तो पोजीशन में एरर होगा, और वो एरर होगा एच अपॉन फोर पाई। अगर किसी ने आर्टिकल पढ़ा नहीं है तो अलग बात है। वो कहता था पोजीशन ढूंढने जाओगे तो एरर मोमेंटम में आ जाएगा, मोमेंटम ढूंढने जाओगे तो एरर पोजीशन में आ जाएगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एरर का तो सवाल ही नहीं है। हमें उसकी पोजीशन भी पता है, हमें उसका मोमेंटम भी पता है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल है। ये एक दूसरे के क्या है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैसे हैं? Heisenberg क्या कहता था? Heisenberg कहता था पोजीशन ढूंढने जाओगे तो मोमेंटम में एरर होगा, मोमेंटम ढूंढने जाओगे तो पोजीशन में एरर होगा। तुम दोनों चीजों को एक साथ नहीं ढूंढ सकते। पर जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा
तो पोजीशन में तो एरर है ही नहीं, पोजीशन में एरर क्यों नहीं है? पोजीशन में एरर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कौन से वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे, कौन से वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर हमें उसकी पोजीशन पता है, मास तो हमें इलेक्ट्रॉन का वैसे ही पता है, वी नो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोमेंटम में भी एरर नहीं है। तो ऑर्बिट कंसेप्ट इज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। पहले बताइए समझ आया है? Yes, और समझ आ गया। ऑर्बिटल कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक एरिया में घूमता है, एरिया में घूमता है तो पोजीशन में अगर एरर आ भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मोमेंटम में कोई एरर आ जाएगा तब भी कोई बात नहीं है क्योंकि वो एक एरिया में घूम रहा है। एरिया इज क्वाइट थिक, जिसको हमने नाम दे दिया था ऑर्बिटल, पर यहां तो फिक्स ऑर्बिट थे, ऑर्बिट इज वेरी फाइन लाइन सर्कुलर, सर्कल इज वेरी फिक्स, ऑर्बिटल इज नॉट फिक्स। ऑर्बिटल इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम नॉट 100%। तो अगर इसके बाहर भी चले जाए तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो मैक्सिमम कह रहा है, 100% नहीं कह रहा, वो मैक्सिमम कह रहा है 100% नहीं कह रहा। पर यहां तो ऑर्बिट में तो 100% है, अगर 100% है तो एरर ही नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो ये वाला यहां पे लिखना है, इट डू नॉट ऑबे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अगर किसी ने हाइजेनबर्ग नहीं पढ़ा हुआ उसको समझने में मुश्किल आ सकती है, वैसे मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि उसे भी डिफिकल्टी ना आए। एंड हाइजेनबर्ग इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन गूगल क्लासरूम, किसी ने नहीं पढ़ा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लेक्चर फॉरवर्ड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, सर ये पेपर में आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ये आना ही आना है पेपर में, ऑर्बिट ऑर्बिटल का डिफरेंस। हाँ जी, अगला पॉइंट बताइए कुणाल जी। सर एन ऑर्बिट कैन अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स व्हेयरएज ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। नो, it can accommodate 2 n square electron. Yes sir, it can accommodate only 2 electrons, it can accommodate only 2 electrons, it can accommodate 2 n square electrons. Aapko yaad hoga pehle orbit mein n 1 hota hai, if you put n equal to 1 here you will get 2, if you go for second orbit it become 8, third orbit 18, पर orbital में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो it can accommodate 2 n square electron, it can accommodate only 2 electrons। हाँ जी, अगला point, पांचवा। सर orbital directional characteristics। ऐसे नहीं, कौन सा बच्चा बोल रहा है, कौन सा बेटा बोल रहा है? आदित्य जी बोलिए, सर बोलिए। ऑर्बिट्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स वेरी गुड। इसका मीनिंग समझा सकते हैं सर? होता क्या है, हम सब किताब में से पढ़ के लिख तो देते हैं, हमें उसका मीनिंग नहीं क्लियर होता। जैसे अभी सर ने बोला इट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा इसका मीनिंग क्या है सर, बताइए मीनिंग क्या है? एनीबडी एल्स? सर इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। सर ये एक ही डायरेक्शन में सर्कल में घूमता है। यस सर, इलेक्ट्रॉन कैन मूव, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अच्छा दूसरा आंसर क्या था? एक तो था डायरेक्शन चेंज नहीं होती, दूसरा मीनिंग क्या बता रहे थे आप? सर ये मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग क्या, सुनिए, इसका मीनिंग है जब हम ऑर्बिट बनाते हैं, ये ऑर्बिट बनाया, क्या हम एक्स वाई एक्सिस लिखते हैं?
सो जो ऑर्बिटल्स हैं वो मूव करते हैं अलोंग द एक्सिस। नहीं नहीं, जस्ट वेट, जस्ट मैं नीचे बना रहा हूं। जब हम ऑर्बिट बनाते हैं ना तो उसमें एक्सिस नहीं है, वी डोंट राइट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऑर्बिट डू नॉट हैव एक्सिस, बट व्हेन वी ड्रॉ, but when we draw it, when we draw orbital, when we draw orbital, we write x axis, y axis. एक सिर्फ s orbital होता है जिसमें direction नहीं लिखते, याद है? बाकी सब में क्या लिखते थे हम? axis लिखते थे. बाकी सब हम सब में क्या लिखते थे? axis लिखते थे. तो वो ये कहना चाहता है कि ऑर्बिट में एक्सेस नहीं होते, ऑर्बिट में एक्सेस, ऑर्बिट में एक्सेस नहीं होती, बट ऑर्बिटल में एक्सेस होती हैं। मीनिंग समझ आया है सर? मीनिंग समझ आया है? ऑर्बिट में हांजी, यस सर, लिखो इसको, लिखो लिखो, ऑर्बिट हैव, ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्बिट, यहां पर मेरे पास स्पेस खत्म हो रही है तो आप ये वाला पॉइंट लिख लीजिए फिर, ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्बिट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या लिखेंगे? इट हैज डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, it has directional characteristics, it has directional characteristics. बोलिए समझ आ गया? तो थोड़ी सी स्पेस, हाँ जी, पहले बेटा मीनिंग समझ आया है? लिखा तो सब कुछ किताबों में हुआ है, जो किताब में लिखा है उसके मार्क्स नहीं है, आपके ब्रेन में जो गया उसके मार्क्स हैं। आप ये बताइए कि क्या आपको मीनिंग क्लियर हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स? डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, हां जी आइए, किसी को डाउट है? नहीं है, चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बोलिए। Sir, orbits are represented as K, L, M and shells. Okay, orbit can be written as K, L, M and... Okay, फिर orbital में क्या लिखोगे? They are known as SPD. Yes, sir. Sir, नाम कोई difference नहीं करना ना? आप कहेंगे मेरे और आप में difference क्या? आप बोलेंगे मेरा नाम है जी जस्टिन जी, आपका जी खुराना जी, नहीं नाम से नहीं। ये मतलब ये it is not a good difference. कि उसका नाम है KLMN, इसका नाम है SPDF, नो, ये एक अच्छा डिफरेंस नहीं माना जाए। ये तो पॉइंट्स भरने हो तो अलग बात है, कोई और डिफरेंस बताइए। फिनिश, देखिए, ऑर्बिट डू नॉट ऑबे वेव करेक्टर या ड्यूल करेक्टर। पढ़ा था हमने ड्यूल करेक्टर, कि हर चीज वेव भी है, हर चीज पार्टिकल भी है। ऑर्बिट डू नॉट ऑबे वेव करेक्टर, या इसको थोड़ा इजी बनाते हैं, ऑर्बिट डू नॉट ऑबे वेव करेक्टर ऑफ पार्टिकल, इट डू नॉट ऑबे वेव करेक्टर ऑफ पार्टिकल, इट डू नॉट ऑबे वेव करेक्टर ऑफ पार्टिकल।
क्या लिखोगे? इट डू नॉट ऑबे बेस करेक्टर करेक्टर ऑफ पार्टिकल. किसने दिया था इसको? और इसको ये भी नहीं लिखना, एक और चीज जस्ट वे, इसको और भी इजी लिख सकते हैं हम. इसको लिख सकते हैं इट डू नॉट ऑबे, इट डू नॉट ऑबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट, डी ब्रॉगली कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट? डी ब्रॉगली. और इसमें कौन सा कंसेप्ट ऑबे हो रहा था? इट ऑबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट. इट ऑबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट. अब आपको जिस जिसने आर्टिकल पढ़ा होगा उसको ज्यादा अच्छा समझ आता है. डी ब्रॉगली क्या कहता था? हर चीज वेव भी है और पार्टिकल भी है. हर चीज वेव भी है और पार्टिकल भी है. सुनिए, हर चीज वेव भी है और पार्टिकल भी है. देखो, अगर हम ऑर्बिट कंसेप्ट लेते हैं, अगर हम ऑर्बिट कंसेप्ट लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को उसमें घुमाते हैं, अगर वो ऑर्बिट में घूम रहा है तो वेव नहीं हो सकता. वेव है क्या? नहीं हो सकता. ऑर्बिट नहीं हो सकता. तो ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं. देखिए, अगर तुम सर्कुलर में घूम रहा है तो वेव करेक्टर नहीं है. अगर वेव करेक्टर है तो सर्कुलर नहीं है. तो क्या बोलेंगे? ऑर्बिट डू नॉट ऑबे, ऑर्बिट कंसेप्ट डू नॉट ऑबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट. पर ऑर्बिटल में हो सकता है. क्यों? ऑर्बिटल में क्यों हो सकता है? इट इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज. सर मेरी बात सुनिए, अगर आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो आप वेव में नहीं घूम सकते. अगर आप वेव में घूम रहे हैं तो सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकते. तो ये एरिया ये क्वेश्चन गलत हो. ऑर्बिट डू नॉट ऑबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट. पर अगर तुम अपने घर में घूम रहे हो, इट इज अ स्पेस, इट इज अ वाइड स्पेस, तो इसमें आप कैसे जा सकते हैं? आप टेढ़े मेढ़े चल सकते हैं. कई बार आप टेढ़े मेढ़े चलते हैं तो आपके पेरेंट्स भी आपको कहते हैं सीधे होके चलिए. पर व्हेन यू हैव स्पेस, जब आपके पास ब्रॉड स्पेस है, देन यू कैन गो लाइक वे. बट इफ यू आर मूविंग व्हाट इन सर्कुलर, सर्कुलर में वेव पॉसिबल नहीं है. देखो देखो, अब देखो, अगर सर्कुलर होगा तो वेव नहीं है, वेव है तो सर्कुलर नहीं है. ऑर्बिटल में पॉसिबल है बिकॉज इट इज अ थ्री डायमेंशनल. तो यहां पे पॉइंट क्या बनेगा? ऑर्बिट डू नॉट अवे डी ब्रॉगली कंसेप्ट, ऑर्बिटल अवे डी ब्रॉगली कंसेप्ट. और बताइए सर, और बताइए, थक जाएंगे कुराना सर के साथ डिफरेंस करते करते? किताब में भी नहीं मिलेंगे इतने. बोलिए बस सर, हो गए बस, थक गए. और लिखवा देते हैं, आइए और लिखवाते हैं. मजा तो ही है ना, किताब में भी ना मिले. सर लिसन बेटा, याद रखना एग्जाम में हमें 3, 4, 5 या 6 का चक्कर नहीं है. एग्जाम में अगर तुम 7 याद करके गए, 6 तो लिख ही आओगे ना. अगर 6 याद करके तो 5 ही लिख के आओगे. आप हर बुक पढ़ रहे हो, उसमें 4, 5, 6 मिल रहे हैं. अगर आप मेरे साथ करेंगे, 7 कर रहे हैं, तभी तो मजा आएगा करने. हर चीज किताब में नहीं होती, कुछ चीजें किताब में, कुछ टीचर के पास. आइए, ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इज, क्या फॉर्मूला था? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. याद है? और बोर का पोस्टुलेट पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नहीं? यस सर. बोर का पोस्टुलेट क्या कहता था? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. और व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल? सुपरस्टार क्वेश्चन, कहीं भी नोट करके रख लेना. 2 साल जब तक आईआईटी का पेपर नहीं दे देते, नीट का पेपर नहीं दे देते, ये पॉइंट काम आएगा. एम वी आर ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एल इंटू एल प्लस 1.
H bond 2 pi. What is the angular momentum of an orbital? Orbital का angular momentum कितना होता है? Under root of L into L plus 1, H upon 2 pi. मैं निकालना सिखा रहा हूं, ये बड़ा important point है. Competition में कई बार आ चुका, IIT में, NEET में कई बार आ चुका ये. Formula ही नहीं मिलता कहां पे है, बड़े कम जगह पे मिलेगा आपको. सर वो कहता है जी 3p में एंगुलर मोमेंटम निकालिए. अब 3p में एंगुलर मोमेंटम निकालिए. लिसन, जल्दी तो नहीं है, पहले मेरी बात सुनिए. वो आपको कहेगा 3p में एंगुलर मोमेंटम निकालिए. बच्चे फॉर्मूला क्या लगाते हैं? nh upon 2 पे n कितना लिया? 3. आंसर देंगे 3h upon 2 पे. ये गलत आंसर है सर. 3p is orbital or orbit? Orbital. Orbital. फिर तुम orbit का formula कैसे लगा सकते हो? ये तो formula ही गलत है. आप class के ना topper से पूछना कि यार मुझे 3p का जो अच्छे-अच्छे कहते अपने आप को कहते हैं ना, हम बड़े intelligent हैं. कई होते हैं जब उनका पंजाबी के ना फुकरे, उनको कहेंगे 3p था मानो angular momentum था, और उससे कहा 3h upon 2 pi. सर P, 3p is orbital. Orbital has angular momentum of under root of L into L plus 1 H upon 2 pi. यहाँ पे n तो use ही नहीं होना, ध्यान से देखो. n तो formula में नहीं है. P के लिए L कितना होता है? L equal 1. याद करिए, मैंने लिखवाया था. Put L equal 1. 1 into 1 plus 1. H upon 2 pi. This is under root 2 H upon 2 pi. समझ आया कि नहीं आया? Yes sir. Sir, L की value 1 put करेंगे ना? L1, तो ये 1 plus 1 क्या हो गया? Under root 2 H upon 2 pi. एक और चीज समझा रहा हूँ, कहीं note कर लीजिएगा, बड़ी rare मिलेगी. ये जो H upon 2 pi होता है, इसका एक सिंबल और भी होता है. ये होता है H ऐसे. H लिख के ना लाइन मार दी. लाइन आप स्ट्रेट लेना चाहें या वर्टिकल, थोड़ी सी टिल्टेड हो आपकी चॉइस. लाइक दिस. ये किसके बराबर है? सर IIT में एक बार H upon 2 pi को ये सिंबल दे दिया गया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे. ध्यान से देखिएगा, H upon 2 pi लिखा है कि H के ऊपर लाइन लगाई हुई है. H के ऊपर अगर लाइन लगाई है तो उसकी वैल्यू कितनी है? तो हो सकता है एग्जाम में वो ऐसे भी दे दे कंपटीशन में. लाइक दिस. सॉरी, स्कूल के एग्जाम में तो नहीं आता ये. तो स्कूल में नहीं, स्कूल में तो बस इतना याद रख लो तो टीचर खुश हो जाएगा, मुंडा कुछ लिख के गया. MVR is equal to under root of L into L plus 1 H upon 2 pi. स्कूल तो यहाँ खत्म. ये लो बस, ये तो मैंने कंपटीशन के लिए बताया. तुम नीचे वाला जो IIT की तैयारी कर रहे हैं या जो NEET की तैयारी कर रहे हैं उनकी बोलिए. क्लियर है? yes. सर टीचर कॉम्पिटिशन में ऐसे फंसाता ना वो आपको नीचे ले जाकर. एक और दिखा रहा हूं, एक और चीज देखो. अब मैं कहता हूं 3p और 4p, 4p का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? सेम ही होगा. यस, तो याद रखना क्वेश्चन क्या आएगा कंपटीशन में. स्कूल में नहीं आ सकता, स्कूल वाले की टीचर की सोच इतनी नहीं है. वो कहेगा व्हाट इज द डिफरेंस इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p एंड 4p. What is the angular momentum difference of 3p and 4p? कितना है? Zero. है जी? Zero. Yes. नहीं है difference. It's, नहीं, zero है. कुछ तो है. वो कितना है? It is zero. सर समझ आ गया? चले आगे? Yes. अभी वाला point तो मैं किताब में नहीं मिला होगा. चले आगे? आओ आगे चलते हैं. Yes, sir. कितने डिफरेंस हो गए? 7.
भाई आठवां डिफरेंस कराते हैं, बोलिए आठवां डिफरेंस आप बोलिए। ओके सुनो, एन ऑर्बिट, एन ऑर्बिट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 100%। यह सुनो, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रॉबिलिटी कितनी है? 100%। एट पॉइंट, इन ऑर्बिटल द प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नियर टू 100%, पर कितनी नहीं है? एग्जैक्ट 100, एग्जैक्ट। ओ सर ये पॉइंट ना टीचर को मत दिखाओ, ये अपने पास रखो, जब पेपर में पॉइंट भूल जाए, छह पॉइंट भी ना बन रहे हो, उसके लिए पॉइंट बता रहा हूं। अगर तुम ये पॉइंट्स लिखा है तो तुम्हारा टीचर तुम्हारी जो कॉपी होगी ना आंसर शीट, उसकी फोटोस्टेट करा के घर पे रखवा लेगा। इन ऑर्बिट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 100%, एंड इसमें क्या है, इट इज नियर टू 100%। आइए आगे चले, चले आगे। इन ऑर्बिट ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन डायरेक्शन। अगर इन ऑर्बिट अगर इलेक्ट्रॉन उल्टे घूमते तो क्लाइड ना कर जाते, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसमें इन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन, स्पिन लिख लो, इन ऑर्बिट ऑल द इलेक्ट्रॉन हैव सेम स्पिन, स्पिन वर्ड यूज करते हैं। इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैव ऑपोजिट स्पिन, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिट स्पिन। सर ये पॉइंट ना एग्जाम में लिखना हो तो रीजन बता, क्या बुक्स में नहीं है ये, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं। तो जो पहले छह सात आठ है ना वो किताब में मिल जाएंगे, ये आपको किताब में मिलेंगे नहीं। कर लिया नोट, एक और करा दूं? यस सर। ये समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया सर समझ। ओके अगला वाला कभी भूलोगे नहीं जो लिखवा रहा हूं, यूज कर सकते एग्जाम में उसे? मैं लिख दूंगा, एग्जाम में यूज नहीं कर पाऊ, चैलेंज है, अब यूज नहीं कर पाओगे। टेन, अब आप इसको सिमिलैरिटी भी मान सकते हो, डिसिमिलैरिटी भी मान सकते हो। टेंथ है HW, बोलिए समझ आया? सर होमवर्क। हां जी होमवर्क। यस सर। कौन सा डिफरेंस सर? लिख सकते हो एग्जाम में? नो सर। सर रिसर्च करो, रिसर्च जान के एक पॉइंट छोड़ा है, टेंथ भी लिखवा सकता था मैं, मैंने जान के एक पॉइंट छोड़ दिया कि आप भी कुछ रिसर्च करें। ये मत सोचिए कि किताब में जितना दिया वो फाइनल है। बेटा एक चीज याद रखना बस, हम पढ़ रहे हैं, हमें नीट का पेपर क्रैक करना है, हमें IIT का पेपर क्रैक करना है, हमें 11th में नंबर अच्छे लेने, दैट्स वेरी गुड। बट एक चीज हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो सब्जेक्ट को एंजॉय करो, मार्क्स के लिए मत। जो लोग अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं वो जिंदगी में आगे जाते हैं, जो लोग अपने सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करते वो जिंदगी में आगे नहीं जाते।
ये बात जो मैं समझा रहा हूँ सबको नहीं समझ आई, थोड़े ही बच्चों को समझ आई। फॉरेन में देखना लोग बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं, दे एंजॉय व्हाट दे चूज। हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स चूज करते हैं, हम उसको एंजॉय नहीं करते। मैं आपको अपना बता रहा हूं, आई एम इंजीनियर, इंजीनियरिंग में मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी की है। जब मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जाके कंप्यूटर पे बैठे रहे, काम करते रहे, गेम्स खेलना बड़ा अच्छा लगता है, प्रोग्रामिंग कुछ और होती है। तो मैंने प्रोग्रामिंग भी की, मैंने सी भी किया, सी प्लस प्लस भी किया, जावा भी किया, और एक्सेल में एसक्यूएल भी किया, पर मुझे बहुत जल्दी दिख गया कि मुझे मजा नहीं आया। मैं पूरी जिंदगी उस चीज को कैरी नहीं कर सकता, मुझे मजा नहीं। एंड यू कैन नॉट बिलीव, इन द बिगनिंग जहां मुझे जॉब मिली थी, कुछ दिनों में ही मैं मुझे गवर्नमेंट सर्विस कंफर्म हो जाने। आई गॉन टू माई मदर एंड सेड आई एम लीविंग अ जॉब, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। माई मदर, मुझे मेरी मदर ने बहुत डांटा कि तू अपना कैरियर स्पॉइल कर रहा है, अगर तूने जॉब छोड़ी, कौन छोड़ता है गवर्नमेंट सर्विस, थोड़े दिनों में तुझे यहाँ परमानेंट अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आई सेड मुझे मजा ही नहीं आया। मैंने पार्ट टाइम टीचिंग स्टार्ट की हुई थी प्रोग्रामिंग के साथ ही, एंड आई एम एंजॉयिंग टीचिंग। और टीचिंग में भी बीइंग इंजीनियर, माय मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा मैथ्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरी केमिस्ट्री भी बड़ी स्ट्रॉन्ग, फिजिक्स मेरा टेस्ट ही नहीं था, मुझे पता है फिजिक्स मेरा कभी टेस्ट था ही नहीं। तो मेरे पास चॉइस थी, आई चूज केमिस्ट्री बिकॉज इट इज मोर रीजनिंग। नहीं, मैथ्स आई एंजॉय मैथ्स, आज भी मेरा हॉट फेवरेट मैथ्स है, तुम देखते हो कि लॉग निकालना, ये निकालना, बिकॉज मैथ्स इज माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। बट मुझे केमिस्ट्री में ज्यादा एंजॉयमेंट आती है पढ़ाते हुए। आपने देखा होगा खुराना सर, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब बड़े भारी दिल से पढ़ा रहे हैं। स्कूल में जाओ, टीचर वो रोते रोते पढ़ा रहा होता है, जबरदस्ती पढ़ा रहा होता है। आई टीच बिकॉज आई एंजॉय। तो याद रखना, जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस दिन तुम पढ़ने को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। गो एंड एंजॉय योर सब्जेक्ट, कम टू माय क्लास, यू वांट टू एंजॉय। हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे पर डेढ़ घंटा पढ़ने के बाद फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम पढ़े। मेरे पढ़ाने की मुझे भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, मैंने पढ़ाया, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं। फॉरेन में रिसर्च कहती है जो जहां पे डिस्कशन ज्यादा होती है वो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा समझ आता है। तो आपने देखा होगा मैं चाह के भी आपको म्यूट नहीं कर पाता, बिकॉज आई एंजॉय डिस्कशन। आप देखो जितने पॉइंट्स मैं लिख रहा था, मैंने तब तक लिखा ही नहीं जब तो नहीं कहूंगा एंजॉय द सब्जेक्ट। क्लियर है, ये पॉइंट्स हम लिख चुके, अब हम अगले पॉइंट पे चल रहे हैं, इसको जल्दी से नोट करिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सर। जो आपने वो करवाया था ना डी ब्रोगली वाला, अक्सर वो एक बार दोबारा जस्टिफाई करना। डी ब्रोगली कहता था कि हर चीज जिसका मास है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। वेव तो है ही है, पार्टिकल जिसका मास है। हर जो चीज जो मास है वो वेव की तरह चलती है। वो कहता है वेव का मास होता है और जिसका मास होता है वो वेव की तरह चलती है। जैसे पैकेट ऑफ लाइट है, अब लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, हमने यही पढ़ा था कि लाइट का मास नहीं होता, लाइट का मास होता है, लाइट के जो पैकेट्स होते हैं पैकेट्स का मास होता है। तो उसने बोला जो वेव है उसका मास है, जिसका मास है वो वेव की तरह चल रही है। इसको कहते हैं ड्यूल करेक्टर, ड्यूल करेक्टर। हम तभी बोलते थे लाइट एज अ ड्यूल करेक्टर, कि लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। पार्टिकल क्या होता है? जिसका मास है। वेव
वेव आपके सामने बनी हुई है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो वेव नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो स्ट्रेट पाथ है या सर्कुलर पाथ है। अगर वो वेव की तरह चल रहा है, अगर वो वेव की तरह चल रहा है तो वो सर्कुलर पाथ में नहीं हो सकता। तो दोनों थ्योरीज आपस में कंट्राडिक्टरी, दोनों थ्योरीज आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। तो ये ऑर्बिट डू नॉट ऑबे वेव करेक्टर, ऑर्बिटल ऑबे वेव करेक्टर, ऑर्बिटल ऑबे वेव करेक्टर। क्लियर सर, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ऑर्बिटल स्पेस है, जब जहां पे स्पेस ज्यादा होगी वहां पे कोई भी चीज, अब ये एस ऑर्बिटल है, यहां पे स्पेस ज्यादा है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे घूम सकता है? इलेक्ट्रॉन कैन मूव लाइक अ, जगह ज्यादा है ना। अब मैं तुम्हें कहता हूं स्ट्रेट लाइन पे वेव की तरह चल के दिखाओ, तुम नहीं चल सकते। अगर मैं कहता हूं सड़क चौड़ी है और वेव की तरह चल के दिखाओ, आप चल सकते हैं। आप ऐसे नहीं जा सकते, शराबी जाते नहीं, शराबी घूमते ऐसे से। Yes, sir. वेव करेक्टर। पर अगर बहुत पतली दीवार है उस पर वेव की तरह चल के दिखाओ, तो ऑर्बिटल इज अ स्पेस, वहां पे वेव करेक्टर पॉसिबल है। ऑर्बिट इज वेरी फाइन, जो चीज फाइन है उस पर क्या नहीं हो सकता, वेव नहीं बन सकता। तो ये था, तो इसमें हम बोलते हैं ऑर्बिट डू नॉट ऑबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट, बट ऑर्बिटल ऑबे डी ब्रॉगली कंसेप्ट। जल्दी से उतारिए, फिर मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ लो। एक बार कोई पॉइंट डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये एक छोटी सी इक्वेशन मैंने लिखी है, इस छोटी सी इक्वेशन, अभी आप टॉपिक कराने लगे हैं, ये छोटी सी एक इक्वेशन है, आपको लर्न करने की जरूरत तो नहीं है पर कम से कम पता होनी चाहिए, मैं रख कर रहा हूं। इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, स्पेलिंग लिखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, SCHRODINGER, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैं दोबारा से लिख के भी दिखाता हूं, यहां लिख देते हैं। अभी आपको नए नए सिंबल लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, घबराइए मैं, वैसे तो आपके लेवल से काफी ऊपर है ये, पर फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। ये जेड है, अब जेड को ऐसे कितना जगह सकते हैं, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी। पहले इस इक्वेशन को उतारिए, अपॉन एन स्क्वायर है, अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या है मैं समझा रहा हूं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये क्या है सर? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये क्या है बच्चे? लिसन,
ये एक सिंबल दिख रहा है आपको, ये है साई, इसे बोलते हैं साई, PSI, क्या बोलते हैं साई, PSI, साई, नोट के लिए, ये साई है। ये ना जैसे डिफरेंशिएट नहीं करते, आप लिखते हो dx dt, कोई भी चीज डिफरेंशिएट ऑफ a square plus bx plus c विद रिस्पेक्ट टू dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये डबल डिफरेंशिएशन है, इसकी डिफरेंशिएशन करो फिर इसकी डिफरेंशिएशन करो, दैट इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। एक बार जो डिफरेंशिएशन करके इसका आंसर आएगा उसको फिर डिफरेंशिएट करना, दैट इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। दिस इज डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, एंड दिस इज अ कॉन्स्टेंट, दिस इज अ कॉन्स्टेंट। अब आराम से, कोई जल्दी नहीं है, पहले समझिए। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था जिसने ये इक्वेशन दी, ऑर्बिटल थ्योरी इससे बनी, ऑर्बिटल थ्योरी का ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो साइंटिस्ट ना बहुत कंफ्यूज थे सिंबल्स के बारे में, तो पहले तो मैं आपको थोड़े सिंबल्स बताता हूं। साए, ये साए, इसका मतलब होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, याद है? अब वेव करेक्टर है ना, वेव करेक्टर होगा तो एम्पलीट्यूड होगा, साई एम्पलीट्यूड बताता है, साई क्या बताता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साई, त्रिशूल की तरह है, शिवजी जी का त्रिशूल है ना, बिल्कुल उसकी तरह है। तो पेपर में बना हुआ आता है, कई जगह ऐसा भी बनाया जाता है जो कंप्यूटर में सिंबल अवेलेबल होगा, तो पेपर में ऐसा लगता है जैसे त्रिशूल दे दिया, व्हाट इज द सिंबल ऑफ त्रिशूल, नो नॉट इज, इट इज नॉट द त्रिशूल, इट इज व्हाट, साई। तो पेपर में पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई, क्या लिखोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन मार्क का, अंडर एस्टिमेट मत कर लेना, पेपर में आएगा। What is the significance of psi? It is amplitude of the wave. What is the significance of psi square? दो क्वेश्चन आते हैं, What is the significance of psi? What is the significance of psi square? This is amplitude. Probability of finding the electron. It is probability of finding the electron. Sir, ये superstar क्वेश्चन है, कॉपी में कहीं अलग से लिख लो, पेपर में आज तक कभी स्कूल लेवल पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं आई, पर तुम जगह जगह पढ़ोगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो मैंने आपको एक बार दिखा दी, कंपटीशन में आती है, स्कूल में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, लिख लिया तक, वो मैं समझा, वो भी सारे बारी बारी आएंगे, अभी वो भी समझा रहा हूँ, ये लिख लिया, नोट कर लिया, यस सर, ओके। अब सुनो, अब हमें ये तो पता चल गया साई क्या होता है, साई स्क्वायर भी क्या होता है, अब पाई तुम्हें पता है, पाई इज अ कॉन्स्टेंट, साई तो हो गया, इट इज व्हाट, एम्पलीट्यूड। मैं इस इक्वेशन का बता रहा हूं थोड़ा सा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, कौन सी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड। ये पाई तो कॉन्स्टेंट हो गया, क्या वैल्यू होती है, 22.17 और 3.14, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, H
प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट कितनी वैल्यू थी इसकी, 6.6 × 10⁻¹⁴। जो पहली बार देख रहे हैं वो लर्न करेंगे, जैसे पाई फिक्स होता है ऐसे एच भी फिक्स होता है, एच की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻¹⁴। ये कांस्टेंट बहुत ज्यादा यूज होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में। ई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर पाई के आगे क्या लिखे हैं? 22 ओके सर। ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V is potential energy लिख दो, डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सर यहां तक क्लियर हो गया? करिए नोट करिए। चलिए सर, सर ये वाली जो चीज मैंने अभी आपको लिखवाई ये स्कूल लेवल पे काम आती है, स्कूल लेवल में आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ठीक है, अब एक मैं टफ क्वेश्चन करा रहा हूं, टफ तो नहीं है, है तो आसानी, थोड़ा अलग से तरह का क्वेश्चन, पेपर में आता भी है नहीं भी आता, 50% चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, तो वो है क्या ये वो समझते हैं, हेडिंग लिखिए। अच्छा एक चीज और समझिए, तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा वैसे बता रहा हूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एक्स एक्सिस, लिखने की जरूरत नहीं है सर, लिखने की जरूरत नहीं है सर, सुन लो, ये प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, this is probability of electron with respect to z axis, tabhi banega na orbital, orbital ki teen directions hoti hain, x axis, y axis, z axis, ye constant jo humne likh diya hai clear, aur ghabraiye mat school mein nahi aayega, par ye cheez na tumhe har jagah competition mein dikhegi, to school yahan pe karwana zaruri tha, padhte hue tumhe modern dinesh pradeep padhte hue tumhe schrodinger wave equation word kai bar aayega, तो तुम्हें पता होना चाहिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या, क्लियर? और समझिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल थ्योरी, नोट कर लो, नीचे नोट लिखो, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है सर? क्लियर है? यस सर। ओके, अब मैं तुम्हें एक आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, लिखो रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स, हेडिंग लिखो रेडियल, रेडियल रेडियल रेडियस से बना, रेडियल रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, चाहे रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स कह दो चाहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स कह दो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। अब मेरी बात समझिए, इसको समझने के लिए आपको एक पहले डिफरेंट मेंटल स्टेटस में जाना पड़ेगा। अब वो मेंटल स्टेटस क्या है, मान लीजिए जस्टिन जी हैं, जस्टिन जी आपको ड्यूटी दी गई कि आप सब्जी बनाना सीखेंगे, आई एम चेंजिंग योर मेंटल स्टेटस सो दैट अगला आर्टिकल आपको समझ आए, आप सब्जी बनाने के लिए आपको बोला गया,
आपको लगता है आप पहली बार में करेक्ट बना लेंगे? जस्टिन जी नो सर, दैट्स गुड, आपने बिल्कुल सच बोला, पहली बार में करेक्ट नहीं बन पाई। तो आपने पहली बार सब्जी बनाई तो कुछ मिस्टेक हो जाएगी, लाइक जैसे बेक प्रॉपरली नहीं हुई, आपके मदर बोलेंगे इसको 10 मिनट और बेक करिए, आपने 10 मिनट और बेक किया, फिर आपको उसको टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार नमक कम है, फिर आप थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे नहीं यार इसमें मिर्ची भी थोड़ी कम है, फिर मिर्ची भी थोड़ी ऐड करेंगे, दो तीन चार करेक्शंस के बाद वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। यस और नो? यस लाइफ सेक्टर, क्या बोलते हैं लाइफ सेक्टर, जब कई बार हम जब कोई काम करते हैं तो पहली बार में वो करेक्ट नहीं होता तो हम उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं जब तक वो करेक्ट ना हो सके, लाइक जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं, आपने कुछ गलतियां की, आई टेल यू कि इसमें मार्क्स कटेंगे, ऐसे कटेंगे, कटेंगे, अब फिर देंगे फाइनल एग्जाम तक आप परफेक्ट हो जाते जो होना चाहते हैं, कुछ तो होना ही नहीं चाहते, तो दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। तो रेडियल पॉलिटी का भी ऐसे ही साइंटिस्ट कुछ सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, उन्हें लगा कि 1s के लिए वो ग्राफ बनाना चाहते थे, उन्होंने ग्राफ बनाया साय वर्सेस आर। व्हाट इज साय? साय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में था साय, उन्हें लगा कि साय प्रोबेबिलिटी है, शुरू में उन्हें क्या लगा कि साई के प्रोबेबिलिटी है, उन्होंने जब 1s के लिए ग्राफ बनाया, 1s के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से, समवॉट लाइक दिस, जब जैसे वो नहीं होता x प्लस 2y = 5, आप हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालते हैं, आप हर y की वैल्यू के लिए क्या निकालते हैं x, और आप एक ग्राफ बनाते हैं, अंतर के ग्राफ क्या नहीं है। उन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में 1s के लिए ग्राफ बनाया बिटवीन साई एंड आर, तो उन्हें ये ग्राफ मिला। इस ग्राफ में उन्हें एक गलती लगी, उन्हें गलती ये लगी कि यहां पे आर क्या है, जीरो, यहां पे आर कितना होगा, जीरो, रेडियस इज जीरो, अगर रेडियस जीरो है, मैं थोड़ा पास ले रहा हूं आप ज्यादा अच्छा फोकस कर पाए, यहां पे रेडियस जीरो है, अगर यहां पे रेडियस जीरो है, रेडियस जीरो का होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, रेडियस जीरो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां है, न्यूक्लियस में। यस सर, आ रही है प्रोबेबिलिटी हाई, आ रही है प्रोबेबिलिटी, क्या आ रही है हाई, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, इट इज रॉन्ग। व्हाई? व्हेन रेडियस इज जीरो, रेडियस जीरो मींस इलेक्ट्रॉन इज ऑन द न्यूक्लियस, एंड अगर साई प्रोबेबिलिटी है तो उसकी एक बहुत हाई वैल्यू आ रही है। हेजनबर्ग ने बोला था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं एग्जिस्ट कर सकता, हेजनबर्ग ने मैथमेटिकली प्रूव किया था, हमने भी किया था, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, पर ये ग्राफ कहता है अगर रेडियस जीरो है और साई प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो ये ग्राफ गलत है, क्योंकि उन्हें पता है कि हेजनबर्ग गलत नहीं था, इसका मतलब ग्राफ कौन सा गलत हो गया, ये वाला। समझिए, पहली बार में करेक्ट नहीं बनेगा, हम इसको मॉडिफाई करेंगे बार बार जब तक ये करेक्ट नहीं बन जाता। इस ग्राफ में साइंटिस्ट को क्या लगा साई के, उन्हें लगा कि साई प्रोबेबिलिटी है वर्सेस आ, तभी तो नाम बड़ा रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स, उन्होंने 1s के लिए बनाया तो ये ग्राफ बना। जब ये ग्राफ बना, यहां पे रेडियस कितनी है, जीरो है, रेडियस जीरो है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई आ रही है, तो ये ग्राफ गलत है। क्यों? अगर रेडियस जीरो है तो प्रोबेबिलिटी भी जीरो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग।
हेजनबर्ग ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। पहले बताइए ग्राफ में गलती क्या है, ये समझ आया? एक बार सारे सुन लो, मैं दोबारा समझाऊंगा क्योंकि ये डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, टफ नहीं है, डिफरेंट है। इधर देखो, अब उन्हें एक चीज क्लियर हो गई, ये गलत है, ये गलत है। उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं यार साई को ना डीवी से मल्टीप्लाई कर, डीवी मतलब वॉल्यूम, साई डीवी वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ। जब रेडियस जीरो होगी, व्हेन रेडियस इज जीरो वॉल्यूम विल बी, सर व्हेन रेडियस इज जीरो व्हाट इज वॉल्यूम, जीरो, जीरो इनटू समथिंग जीरो, जीरो इनटू समथिंग जीरो, द ग्राफ लुक्स लाइक टू बी लाइक दिस, ये ग्राफ बन गया। अब यहां पे जब रेडियस जीरो थी तो प्रोबेबिलिटी भी जीरो हुई फॉर वन एस। उन्होंने वॉल्यूम से क्यों मल्टीप्लाई किया, उन्हें पता था वॉइस नहीं आ रही, मेरी वॉइस नहीं आ रही, सर मीडिया को नहीं आ रही, बाकी सबको भी नहीं आ रही, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है आपकी, आपके कोई सिग्नल की डिफिकल्टी है बिटिया, घबराइए मत, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज दूंगा, पर वॉइस आपकी तरफ से डिफिकल्टी है बिटिया। फिर सुनिए, व्हेन रेडियस इज जीरो, रेडियस जब जीरो होगा वॉल्यूम कितना होगा, जीरो, जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू समथिंग जीरो, दैट्स व्हाट इज जीरो। नाउ द ग्राफ बिकम लाइक दिस, साइंटिस्ट को लगा ये ठीक है, कुछ करेक्ट हो गया, साइंटिस्ट को लगा पहले से बेटर हो गया, एक डिफिकल्टी खत्म हो गई। अब उन्होंने ग्राफ बनाया 2s के लिए, मैं नीचे बना रहा हूं 2s, साई डीवी वर्सेस आर दिख रहा है, साई डीवी वर्सेस आर, कोई बात नहीं, मैं नीचे कर, सर दोबारा से रिपीट कर दो बिटिया, आपने पहला ग्राफ समझा, दूसरा समझा, कौन सा नहीं समझा, सर सेकंड वाला, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, हाँ बेटा मैं ना धीरे धीरे बोल रहा था इसलिए नहीं आ रही थी, अब आएगी आपको। जब यहाँ पे रेडियस कितना है, यहाँ पे रेडियस इज जीरो, व्हेन रेडियस इज जीरो, जब रेडियस जीरो होता तो वॉल्यूम कितना होता है बेटा, किसी भी चीज का वॉल्यूम ले लो ना, सफेयर का ले लो, सिलेंडर का ले लो, किसी का भी ले लो, जब रेडियस जीरो होगा तो वॉल्यूम कितना होगा, जीरो, जीरो, जीरो इनटू समथिंग जीरो, तो ग्राफ ये बन गया। साइंटिस्ट को लगा प्रॉब्लम खत्म हो गई, जब रेडियस जीरो है तो प्रोबेबिलिटी भी जीरो है, इसने हेजनबर्ग को ऑब्वे कर दिया। अगर ये करेक्ट है तो उन्होंने अब क्या क्या कहा, हम 2s के लिए बनाते हैं, साइंटिस्ट ने, खुराना सर ने नहीं कहा, उन्होंने 2s के लिए ट्राई किया, ग्राफ बना ये, ग्राफ कुछ इस तरह से बना। अब इस ग्राफ में भी गलती थी, अगर साई डीवी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती सर, प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, वन, जीरो सर, जीरो, जीरो, प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, जीरो, मैक्सिमम वैल्यू, वन, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये भी ग्राफ गलत है सर। तो उन्होंने कहा कि साई डीवी में से नेगेटिव कौन है, कहते वॉल्यूम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, वॉल्यूम इज नॉट नेगेटिव, वॉल्यूम इज नॉट नेगेटिव, दैट मीन साई इज नेगेटिव, कहते हैं स्केयर कर दो, नेगेटिव का स्केयर कितना होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्केयर कितना होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब उन्होंने ग्राफ बनाया किसके लिए, 2s, 2s के लिए, अब ये ग्राफ करेक्ट, ये ग्राफ करेक्ट बन गया। आदित्य जी एक मिनट जाइए, आदित्य जी
एक मिनट रुक जाइए, फिर से समझिए, पहले ग्राफ किसमें बनाया गया? साई एंड आर, और वन एस साई वर्सेस आर। पहले ग्राफ में क्या गलती थी? जब रेडियस जीरो था तो साई हाई है। जब रेडियस जीरो थी तो प्रोबेबिलिटी भी कितनी होनी चाहिए थी? जीरो। अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग, हेजनबर्ग कहता था इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, याद करिए, किया था कि नहीं? ये वही है, व्हेन रेडियस इज जीरो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, इट इज जीरो, बट हियर द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, सो दिस इज रॉन्ग। तो उन्होंने इस चीज को करेक्ट करने के लिए क्या किया, उन्होंने साई को डीवी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब रेडियस जीरो होगा तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगी, जब वॉल्यूम जीरो होगा जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो अब ये ग्राफ करेक्ट बन गया। किसके लिए? वन एस के लिए। फिर ये ग्राफ इसकी, अब उन्हें लगा कि साई डीवी प्रॉबिलिटी है, अब उन्होंने साई डीवी वर्सेज आर किसके लिए बनाया? टू एस के लिए। यहां भी एक प्रॉब्लम आई, ग्राफ क्या हो गया? नेगेटिव में वैल्यू आ गई सर। अगर साई डीवी प्रॉबिलिटी है, प्रॉबिलिटी कांट भी नेगेटिव, तो उन्होंने देखा कि साई डीवी में नेगेटिव कौन हो सकता है, उन्हें लगा वॉल्यूम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब साई नेगेटिव आ रहा है। अगर हम साई का स्केयर कर दें, अगर ये पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव होगा तो स्केयर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो उन्होंने साई डीवी वर्सेज आर का ग्राफ बनाया, अब ये ग्राफ करेक्ट बन गया, इसीलिए साई स्केयर को पॉजिटिव माना गया। लिखा था ना व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई, साई स्केयर, हमने वहां पे लिखा था इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। यस सर, इसीलिए वो यहां से आया। और साई स्केयर डीवी को रेडियल प्रोबेबिलिटी बोला गया, क्योंकि वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम मींस रेडियस, रेडियस मींस रेडियल प्रोबेबिलिटी। बोलिए, समझ आया सर ग्राफ? यस सर, यस सर। हाँ जी, एक मिनट और, आदित्य जी, आदित्य जी क्या क्वेश्चन है सर? समझ आ गया, वो तभी कह रहा हूँ, एक बार मुझे समझाने दो, समझ आ जाएगा। आई नो कि अपने बच्चों को कैसे कराना है, आप टेंशन मत लीजिए। फिर से ये है क्या, ये लाइफ साइकिल है, पहले में जो गलती होगी वो दूसरे में करेक्ट की जाएगी, दूसरे की कोई गलती तीसरे में, तीसरे की जो लास्ट होगा वो करेक्ट होगा। तो पहले आप लिखिए फिगर वन, फिगर टू, फिगर थ्री, फिगर फोर, चारों बना डालिए और बीच में दो दो लाइनों की गैप छोड़ते जाइएगा, एक एक दो दो लाइनों का, मैं उसके बीच में लिखाऊंगा, दो दो लाइनों का गैप छोड़ते जाओ फिगर। सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही जी, धर्म रहिए सर, क्या कह रहे हैं सर, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर वो कह रहा है कि वीडियो नहीं दिख रही आपकी। वीडियो नहीं दिख रही? वो कह रहा है सर, मैं नहीं बोल रहा, बाकी सबको दिख रही है? यस सर, यस सर। एक मिनट वेट करिए, मैं थोड़ा जूमिंग चेंज करके देखता हूँ, ऑटो फोकसिंग में आप देखिए, दिख जाना चाहिए यार, दिख रही है सर हमें, सर हमें तो दिख रही है, कोई यार बैंडविड्थ की प्रॉब्लम होती है, वो आपकी तरफ से भी। सर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स गूगल क्लासरूम में डाल दिए हैं, जिनके मिस हुए वहां सुनते जाइए, ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे से बात करते जाइए। फ्यूजन में आज मैं बहुत सारी बच्चों को किताबें दे आया था जो आके ले गए थे, जिनको नहीं मिली वो मेरे घर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। सर अब कब आओगे फ्यूजन पे? आज ले लेते, आज भूल गए? यस सर, सर बुलानी क्लास थी मेरी सुबह, कोई बात नहीं। मैं बीच में, आप रहते कहाँ पे हैं सर? सेक्टर 68। सर दोबारा कब आओगे? मैं भूल गया देना। लिसन 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 लिसन, माय पेरेंट्स स्टेज ऑन सेक्टर 70, अगर मुझे टाइम लगा तो मैं उनको बुक्स उनके घर रखा दूंगा, अपने पेरेंट्स के घर, आप कभी भी आते जाते कट कर, पर जब मैं जाऊंगा तीन चार दिन में जब भी जाऊंगा मैं एक बार रखवा दूंगा, ठीक है?
अदरवाइज हमें 10 ओके सर तो 10th के आसपास आएंगे फिर जनाब अगर डिपार्टमेंट नहीं खोलती तो हाँ जी हो गया आपका अगर ये रिकॉर्डेड हुआ तो आप सेंड कर दोगे बिल्कुल आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ चलिए हो गया अब लिखिए फिगर वन के नीचे लिखिए फिगर वन Scientists predicted psi is probability. Sir, repeat that. Scientists predicted psi is probability. Psi is probability. And they drawn a graph between psi versus r. They drawn the graph. Between psi versus r for 1s. They drawn a graph for psi versus r for 1s. But when radius is zero, probability is very high. When radius is zero, probability is very high. This is against Heisenberg's. जिसको हेजनबर्ग के स्पेलिंग नहीं आते वो सिंपल लिख लीजिए which is not possible. It is against Heisenberg, which is not possible. Which is not possible. अब आइए इस पे फिगर टू they replace psi with psi dv. And drawn a graph. It obeys Heisenberg. It obeys Heisenberg. When radius is zero, probability is also zero. It obeys Heisenberg. When radius is zero, probability is also zero. When radius is zero, probability is zero. Figure three. Figure 3. When they drawn a graph between psi dv versus r for 2s, when they drawn graph of psi dv versus r for 2s, they observed probability is coming negative, which is not possible. Figure four. Psi dv is replaced by psi square dv. Psi dv is replaced by psi square dv. The results are according to expectations.
क्लियर हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। सर बुक में हो सकता है चार से ज्यादा ग्राफ दिए हूं, मॉडर्न दिनेश प्रदीप ने, आपने चार ही लर्न करनी, स्कूल में चार से ज्यादा नहीं बनानी। क्लियर है, ये मैंने पहले बहुत ज्यादा कराए हैं, 90% तो स्कूल वाले कराएंगे नहीं ये आर्टिकल। क्लियर, अब सुनिए यहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी है बताइए। जीरो प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? No chance of finding electron. क्या कहते हैं? नोड लिखा नहीं यहाँ? Yes sir. What is node? Sir, where the probability of finding electron is least. वो ये वाला पॉइंट है। तो पेपर में टीचर पेपर में टीचर आपको तंग भी कर सकता है, क्या बोल के इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। ओके, अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, ठीक है सर। आपका एक छोटा सा होमवर्क है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, ये आप एक छोटा सा एक 1 या 2 मार्क्स में आप इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखेंगे खुद, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, पढ़ा होगा आपने दिया अल्फा बीटा गामा एंड ऑल, तो ये छोटा सा आपका एक रेडियो एक्टिविटी होमवर्क। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले पढ़ा ऑर्बिट ऑर्बिटल में डिफरेंस, फिर हमने पढ़ा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने पढ़ा साइज स्क्वायर क्या सिग्निफाई करते हैं, फिर हमने पढ़ा रेडियल पॉलिटी कर्व्स क्या। उम्मीद करता हूँ आज वाला सारा समझ आ गया होगा। यस सर। अब मुझे ये बताओ ऑर्बिटल से पहले वाले का टेस्ट कब देना है? संडे रख दें? रख दो सर। या वेडनेसडे रखना? वेडनेसडे रख लो, मंडे रख लो, ठीक है। वेडनेसडे ठीक है, रख लो फिर वेडनेसडे रख दो। वेडनेसडे ठीक है सर। वेडनेसडे ठीक है? यस सर। यस सर। फिर सुनो ध्यान से। हाँ जी। वेडनेसडे आपका टेस्ट है, ऑर्बिटल से पहले वाला सारा, हेजनबर्ग भी आएगा, डी ब्रोगली भी आएगा, उससे पहले वाला सारा ऑर्बिटल से पहले वाला, ठीक है। एंड वेडनेसडे को जो बच्चे लेट ज्वाइंड है, जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई आर्टिकल मिसिंग है, वो मैं करा। अब आप देख लीजिएगा कौन सा पढ़ना है, मेरे ख्याल से आप हेजनबर्ग और डी ब्रोगली पढ़ लें तो बेटर है, तो बाकी सब टेस्ट देंगे। जो बच्चे न्यूली ज्वाइंड हैं उनको मैं मोस्ट प्रॉबली हेजनबर्ग एंड डी ब्रोगली करा दूं वेडनेसडे, ठीक है। जो बाकी बच्चे हैं वो टेस्ट देंगे, ठीक है। अगर संडे क्लास होती है आई विल सेंड यू द एसएमएस, ठीक है, नहीं होगी तो मैसेज नहीं आए, ठीक है। कोई ब्लॉकेज टाइम है तो बता दो कि इस टाइम अवेलेबल नहीं है, है कोई टाइम? सर सुबह सुबह जल्दी जल्दी ना लगाएं कि जल्दी लगा लें? जल्दी ना लगाओ सर, कोई अभी वो नहीं है, प्रॉमिस मेरा कुछ नहीं है। अभी अगर संडे जब भी क्लास लगानी होगी मिनिमम 4 घंटे पहले आपको एसएमएस आएगा। अगर अगर दोपहर की होगी तो संडे सुबह आएगा, संडे अगर अर्ली हुई तो सैटरडे रात को आए। क्लियर? यस सर। अगर नहीं आया तो आप अपनी टेस्ट की तैयारी करिए, मंडे नया चैप्टर स्टार्ट होगा पीरियोडिक टेबल। अच्छा एक चीज और सर, कुछ बच्चे उसके हैं आईसीएसई के, आए हुए आज? यस सर। यस सर। आपके पेपर्स कैंसिल हो गए हैं? यस सर। कांग्रेट्स पहले तो आपको। तो अब कोई छुट्टियों का तो कंसेप्ट नहीं है, पढ़ा रहे फिर आगे? यस सर। चलो अभी कोई छुट्टियां उठी नहीं है, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे आईसीएसई वाले के हमारे पेपर हैं तो छुट्टियां कर दो। छुट्टियां तो मैंने फिर भी नहीं करनी थी, फिर मैंने कुछ और पढ़ाना था जिनसे उनको नुकसान कम होता, पर अब तो उनके एग्जाम ही नहीं है तो हम नॉर्मल चलेंगे। मंडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर पीरियोडिक टेबल, वेडनेसडे पुराने बच्चों के लिए टेस्ट है,
नए बच्चे मेरे साथ पुराने एक दो आर्टिकल्स करेंगे. क्लियर? बाय बाय. बाय सर. ओके बाय 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 सर.